अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एंड काशिफ रूटीन खुश आमदी जी एन उसक बिस्मिल्ला। ढेर सारी दुआ और आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ आज के विला का करते हैं जी आगाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज व अमान में होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ आप जहाँ भी रहें खुश रहें और जो भी आपकी दुख तकलीफें अल्लाह ताला दूर करे, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ख़ास होगा। व्लॉग शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं काशिफ रूटीन को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट व्लॉग्स मिलते रहें। तो दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ जामपुर शहर से थोड़ा दूर कच्चे के इलाके में जहाँ पर दरियाए सिंध था 10 साल पहले। यहाँ का माहौल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारे रिश्तेदार हैं, आपको मैं माहौल दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आज का व्लॉग बेहतरीन होगा, नया माहौल होगा, आपको भी पसंद आएगा। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है दोस्तों। तो जी गंदम की काश्त की तैयारी चल रही है, इसका बीज अपना रकबे में डाला जा रहा है। वैरायटी है अपना दिलकश, ये लगे हुए हैं नौजवान बुज़ुर्ग, ठीक है ना, ये सारा रकबा बनाया हुआ है। तो जी ये है सिस्टम सारा, इस बोर के ज़रिए सिराब होगा, पानी यहाँ पर बहुत होता है क्योंकि पानी की जो लेवल है वो यहाँ पर हाई है। ये बोर चलेगा, डीजल इंजन है, तो गंदम की काश्त माशाल्लाह होगी। बाकी अभी ट्रैक्टर लगा हुआ है, पहले बीज डाल रहे हैं, ऊपर हल लगा रहे हैं, बीज खाद डाल के चरी वगैरह निकलेगी इंशाल्लाह, दोबारा शुरू हो जाएगी गंदम की काश्त। तो जी आज कमाल का माहौल, फहद खान हमारे साथ, ये हमें घुमाने लेकर जा रहा है, तो इसके साथ मिलकर माहौल देखेंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो आप माहौल को एंजॉय करें और बताएं कैसा है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये नया चारा इन्होंने काश्त कर रखा है अपना जानवरों के लिए, ये सारा इस तरफ अपना बाग है आम वगैरह का, काफी सारे दरख्त सार सब्ज। ट्रैक्टर का शोर भी आ रहा होगा, उसको थोड़ा आपने इग्नोर करना है। ये माहौल है सारा, इधर तो थोड़ा नया साग घास वगैरह अच्छा हो रखा है माशाल्लाह, बेहतरीन है। तो फहद खान साथ जी आगे आगे चल रहा है, तो ये वाला माहौल माशाल्लाह खूबसूरत हरा भरा। उस तरफ कोई प्याज वगैरह काश्त किया हुआ है लोगों ने, तो जी ये कच्ची जमात में है, नर्सरी में अव्वल में, पक्की अभी नहीं बैठा। फहद खान अभी इस स्कूल से आ गया है, ठीक ठीक अच्छा। तो ये कहता है बिल्ली की तरह मैं ऊपर छलांग लगाऊंगा टांगे ऊपर, तो फोटो वगैरह खींचना पिक्चर बनाना। क्या है? अच्छा लूसन,
जानवरों का चारा है। तो फहद खान कहता है इसकी वीडियो भी आप बना लो। ये देखो, ये अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, ठीक है ना। ये देखें कैसा खूबसूरत माहौल है, बेहतरीन चारा। हमारे इलाके में इतना अच्छा नहीं है, तो जानवर सिर्फ खुश्क चारे पर, भूसे पर ही गुजारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ माशाल्लाह हरियाली है। पैसे हाली नहीं देंगे ये वाला माहौल जी। फाद खान सवाल कर रहा है, कहता है तुम्हें पैसे देंगे? इंशाल्लाह देंगे यूट्यूब वाले, जब हमारी फैमिली पूरी होगी, वाट टाइम पूरा होगा, दोस्त अब बढ़ेंगे। ये जी अपना नई गंदम काश्त की हुई है, ये सारी अच्छी उगी हुई है। तो बिजली वाली टरपाइन है जी, ये सामने इसकी कोठी है, ये रखा हुआ है सिस्टम सारा। ये बिजली का सामान, ये अपना मोटर रखी हुई है। तो जब काश्त शुरू होती है तो चला देते हैं, ये इस तरह का माहौल है जी। पहले 10 साल पहले यहाँ पर अपना दरिया का राज होता था, पानी ही पानी होता था दरिया सिंध का। दूसरी जानब अभी दूर है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है दरिया सिंध का। बाकी ये माहौल खूबसूरत है माशाल्लाह। ठंडी ठंडी साथ हवा भी चल रही है, नौजवान भी साथ। ये माहौल है जी माशाल्लाह से। अभी तक जवार वगैरह जानवरों का चारा बेहतरीन खड़ा हुआ है। यहाँ पर घूमने में मुझे सुकून मिलता है, खुशी होती है। माहौल को मैं तो एंजॉय करता हूँ, आप माहौल एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? ये सारा सरसब्ज एरिया माशाल्लाह। इस तरह का माहौल खूबसूरत। तो जी ये है इनकी बस्ती, गांव वगैरह इनका, खूबसूरत माहौल। परिंदे भी चहचहा रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पर अपना दरख्त काफ़ी सारे हैं। तो अब हम दूसरी तरफ लौट आए हैं, ये है प्योर विलेज का माहौल माशाल्लाह। जिधर मैं कैमरा घुमाऊँ हरियाली, दरख्त, क्या ही बात है, ठीक है ना। ये देखें, ये गंदम है सारी। तो हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं लौट आया हूँ अपने घर। अभी थोड़ा हाथ मुँह धोए, फ्रेश हो गया। ये था गांव का माहौल। सिंध के करीब एक गांव आबाद हैं, जो कस्बे आबाद हैं। बेहतरीन खूबसूरत माहौल था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा दे, ताकि उसे लेटेस्ट व्लॉग्स मिलते रहें। तो अपने भाई को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले ताज़े नए और फ्रेश व्लॉग में। तब तक दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग आउट विद दिस व्लॉग।